लीजिए, ये केवल एससी और जनजाति का सवाल नहीं है, ये तमाम भारत के मुस्लिम ओबीसी, हिंदू ओबीसी, हिंदू मुस्लिम नहीं रहने वाले ओबीसी, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का सवाल है। आरक्षण बचेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा, वरना सारे लोग ब्राह्मणवाद के सेवाकारी समाज में बदल जाएंगे, अधिकारी समाज में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निहायत चालाकी भरा है। 7 जजों ने निर्णय दिया, 1 जज विरोध में गए। हमें लगता है कि गवई नाम देखकर हमें लगता है कि 1 जज कहीं ना कहीं अम्बेडकर ही है, लेकिन हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल यहाँ की ब्राह्मणवादी ताकतें जो संसद में कानून नहीं बना सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए बनाने का काम इन्होंने पिछले स्वतंत्रता के 75 सालों में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में क्रिमिनल और उप वर्गीकरण जैसा विभाजीकरण जैसा फैसला दिया है, ये भाई से भाई को लड़ाने की एक साजिश है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, शोषण दौर बदला है, लेकिन जो मुखालिफ मनुवादी ताकत है उनका शोषण करने का तरीका वही है। हालात बदले हैं, वक्त बदला है, मानसिकता वही है। उस मानसिकता से हमें लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई समतामूलक समाज का जो विरोध करेगा उससे है। हमारी आज ये मांग है, इन मांगों के साथ हम एकत्रित हुए हैं कि क्रिमिनल को वापस किया जाए, जो विभाजीकरण वाला जो SC ST एक्ट में जो फैसला है वो वापस लिया जाए। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक जातियां हैं तब तक आप बस लो कर देना, जब तक आप है तब तक साइड में लगा धीरे धीरे चलो। संवैधानिक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। इस वर्ग का इंसान चाहे कितनी भी दौलत हासिल कर ले, उसके साथ जातिगत व्यवहार नहीं बदलता। ऐसे में कैसा क्रिमिनल, कौन सा क्रिमिनल? ST SC आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं।
एसटी एससी आरक्षण में क्रिमिनल एयर मंजूर नहीं। संविधान भारत में एससी एसटी जाति आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में जो 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों के द्वारा किया गया है और उसी भारत बंद के आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी भी सपोर्ट में है, समर्थन में है, इस रैली के और इस बंद के समर्थन में है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता लोग भी इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जगदलपुर में आयोजित यह रैली है और इसमें बाइक में, पैदल में और डीजे के माध्यम से 10,000 लोग यहां पर रैली में शामिल हैं और इस रैली के माध्यम से भारत बंद, बस्तर बंद के माध्यम से केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि एसटी एससी आरक्षण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसमें क्रिमिनल एयर का नियम को और उपवर्गीकरण के नियम को तुरंत रद्द किया जाए और संसद का विशेष सत्र बुला करके विधेयक ला करके कानून पारित किया जाए और इस संविधान में एसटी एससी आरक्षण को नवीं अनुसूची में डालने का काम किया जाए। इसी मांग को लेकर के आज पूरा भारत बंद है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये बस्तर में जगदलपुर भी बंद का आयोजन किया गया है, वहीं की ये वीडियो है।
Jai Bhim, 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 J